हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमेश राजौरिया और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम जानते हैं कि नेचर में दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो सेम टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलाम्स लॉ यूज़ करते हैं। साथ ही फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए या चेक करने के लिए हम कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम्स लॉ ही हमको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस से बांध के रखता है। साथ ही कूलाम्स लॉ हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से एटम्स इकट्ठा होते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनकी वजह से बाद में सॉलिड्स या लिक्विड्स बनते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम सिंपली इसको समझें तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो इसकी जगह कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट के। तो फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के है उसका फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का बेसिकली मीनिंग होता है कि कोई भी मीडियम अपने अंदर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज कर सकता है। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं क्यू वन और क्यू टू और ओरिजिन से इनकी जो डिस्टेंस है वो है आर वन और आर टू। अगर हम ओरिजिन से इन पॉइंट्स की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करें तो इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वन एंड पोजीशन वेक्टर आर टू। साथ ही अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो अगर हम क्यू वन से क्यू टू की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वन टू, और अगर हम क्यू टू से क्यू वन की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर टू वन। तो इसमें आर वन और आर टू पोजीशन वेक्टर्स हैं और आर वन टू और आर टू वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। अगर हम चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करें तो इसको लिखा जाएगा F12, इसका मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरीके से अगर हम चार्ज Q2 पे Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करें तो इसको लिखा जाएगा F21, इसका मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर हम चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करें तो इसको लिखा जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर टू वन स्क्वायर इन टू आर टू वन कैप। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उस डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको फॉर्मूले के अंदर यूज करना होता है। जैसे हमने एफ वन टू को कैलकुलेट किया तो हमने लिखा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन स्क्वायर, क्योंकि फोर्स एफ वन टू की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है आर टू वन। और अगर हम डायरेक्शन को भी साथ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो डायरेक्शन के लिए हमने आर टू वन वैक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उससे हमने इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन कैलकुलेट करना चाहें तो इसको लिखा जाएगा एफ टू वन, इसका फॉर्मूला होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर इन टू आर वन टू के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोर्स एफ टू वन है उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है वो है आर वन टू वैक्टर, इसलिए जो फॉर्मूला है उसमें हमने लिखा है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर इन टू आर वन टू के। इन फॉर्मूलों के अंदर
जो आर टू वन कैप है या आर वन टू कैप है, ये दोनों ही वेक्टर आर टू वन या आर वन टू के यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर हमें सिर्फ आर वन वेक्टर या आर टू वेक्टर ही पता है तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके इजीली आर टू वन वेक्टर और आर वन टू वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अगर किसी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को कंप्लीट करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आर टू वैक्टर और आर टू वन वैक्टर दोनों कंटिन्यूस वैक्टर हैं और थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है आर वन वैक्टर, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं आर टू वैक्टर प्लस आर टू वन वैक्टर इक्वल्स टू आर वन वैक्टर, और इसको लिखा जा सकता है आर टू वन इक्वल्स टू आर वन वैक्टर माइनस आर टू। इसी तरीके से अगर आर टू वन वैक्टर का यूनिट वैक्टर कैलकुलेट करना हो तो हम आर टू वन वैक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो यह आ जाएगा आर टू वन वैक्टर का यूनिट वैक्टर। इसी तरीके से अगर हमें आर वन टू वैक्टर कैलकुलेट करना है तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो आर वन वैक्टर और आर वन टू वैक्टर हैं ये दोनों ही कंटिन्यूस वैक्टर हैं और थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है आर टू वैक्टर, वो इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्विलेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं आर वन वैक्टर प्लस आर वन टू वैक्टर इक्वल्स टू आर टू वैक्टर, या फिर इसको लिखा जा सकता है आर वन टू वैक्टर इक्वल्स टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। और अगर हमें R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जिसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहा जाता है। इसको एप्सिलॉन R या फिर कैपिटल K के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब है अगर हम किसी भी मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिवाइड कर देंगे फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से। साथ ही आप डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को फोर्स के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इन एयर डिवाइडेड बाय द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इन दैट मीडियम। जो अलग अलग मीडियम है उनका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे एयर के लिए अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आती है। इसी तरीके से मेटल्स के लिए डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फाइनाइट रहेगी। जो अलग अलग मीडियम है उनका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से लेकर इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम फिल कर दिया जाए तो कूलाम फोर्स के ऊपर उस मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। इसमें पहला केस है कि अगर आप किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में कम्प्लीटली डायलैक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हो तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पहले के कंपेरिजन में के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद में सेकेंड केस है कि अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में जो डायलैक्ट्रिक मीडियम है कम्प्लीटली फिल नहीं करके उसको पार्शियली फिल कर दें तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा। तो इस केस में चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के होल स्क्वायर। इसका मतलब है इस केस में दोनों चार्जेस के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर माइनस टी प्लस टी रूट के। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने तीन चीजों को समझा। फर्स्ट इज कूलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें के को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू हमको याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। साथ ही जो एप्सिलॉन नॉट है जिसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है, इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद में हमने कूलाम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा। जो कूलाम फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड लगेगा, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इनवर्ड होगा। इसके बाद में हमने डिस्कस किया डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू
1 से लेके इन्फाइनेट के बीच में वेरी कर सकती है। मेटल्स के लिए आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, मेटल्स का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फाइनेट और एयर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। और सबसे लास्ट में हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलाम फोर्स। अगर हम किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कोई मीडियम फिल कर देते हैं तो मीडियम की वजह से उनके बीच में लगने वाला फोर्स पहले की बजाय के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम चार्जेस के बीच में एक डायलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल कर दें तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4πε0Q1Q2 r - t + t√k² तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। गुड बाय।